अच्छा आपने शिव जी की फोटो देखी है, उसमें उनका हाथ ऐसे देखा आपने, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको अभय मुद्रा कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डरो मत। तो शिव जी कहते हैं डरो मत, हिंदू धर्म कहता है डरो मत, और ये लोग 24 घंटा इस देश में डर फैलाने की कोशिश करते हैं। घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत, मैं भी आज उन्हें कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। क्या राहुल जी, डरो मत कहते कहते अमेठी से लड़ो मत। कभी अमेठी से वायनाड, कभी वायनाड से रायबरेली, ये दिखाता है कि हार का डर कहां कहां लेकर जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नारा था डरो मत। कांग्रेस ने इस नारे को आगे भी खूब बढ़ाया। अब इसी नारे का इस्तेमाल राहुल गांधी के खिलाफ पीएम मोदी से लेकर तमाम बीजेपी नेता कर रहे हैं। वजह है राहुल गांधी के अमेठी छोड़कर रायबरेली सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला। बीजेपी इस फैसले के पीछे राहुल गांधी के हार की डर को वजह बता रही है। राहुल गांधी का डरो मत का नारा उनके ही खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। देखिए कैसे राहुल गांधी के डरो मत का जवाब पीएम मोदी सहित पूरी बीजेपी के नेताओं ने दिया। शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं, और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे, और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतने डर गए वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग गुम गुम कर सबको कहते हैं डरो मत, मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। देखिए, राहुल गांधी जी को अमेठी लड़ना चाहिए था, और अमेठी से भागना कांग्रेस के पूरे कार्यकर्ताओं में ये मैसेज जाएगा, पूरे देश में ये मैसेज जाएगा कि जो आदमी रोज नरेंद्र मोदी को चुनौती देता था, रोज अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहता था, रोज देश की जनता से कहता था डरो मत डरो मत, वो खुद डर गया। मुझे लगता है कांग्रेस का दुर्भाग्य है। देखिए, मैंने बहुत पहले कहा था कि राहुल गांधी अमेठी चुनाव नहीं लड़ेंगे, और मैंने ये भी कहा था कि वो प्रियंका गांधी जी को भी चुनाव नहीं लड़वाएंगे। आप मेरी बाइट मेरे ट्वीट्स देख लीजिएगा, और प्रियंका गांधी के खिलाफ पार्टी में और परिवार में एक बहुत बड़ी साजिश हुई है। पार्टी और परिवार की साजिश की शिकार हुई है बेटी। पार्टी और परिवार की जो साजिश है उसकी शिकार प्रियंका गांधी हो गई हैं, और राहुल गांधी ने जिस तरह से अमेठी से पलायन किया है, उनकी जगह कोई अगर कोई और नेता होता जो अपनी क्रेडिबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए फैसला लेता, तो अगर राहुल गांधी को अमेठी छोड़ना था तो फिर तो बनारस मोदी जी के सामने लड़ना चाहिए था। कुछ समय पहले तक राहुल गांधी जी कहते थे डरो मत डरो मत डरो मत, अब डर डर कर कभी अमेठी से वायनाड, कभी वायनाड से रायबरेली, ये दिखाता है कि हार का डर कहां कहां लेकर जा रहा है। और डर तो इतना कि एक साथ कहीं दोनों ही ना हार जाएं तो एक ही सीट से लड़ रहे हैं। लेकिन दूसरा मुझे कहना है, न्याय नहीं दिला पाए अपनी बहन को भी, क्योंकि एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा जी भी टिकट मांगते थे, दूसरी तरफ कांग्रेस की मांग प्रियंका जी के लिए भी थी, लेकिन उनकी लिस्ट में
कहीं बहन का नाम नहीं आया है। ये अपने आप में दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी में चल रहा है और ये अब देश के सामने खुलकर बात आ गई है। गांधी परिवार को राजनीतिक रणभूमि में त्यागा, आज गांधी परिवार का अमेठी लोकसभा क्षेत्र से ना लड़ना इस बात का संकेत है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के दिशा निर्देश में, उनके नेतृत्व में अमेठी में जो बहुमुखी विकास हुआ है, उस विकास के चलते आज अमेठी की जनता ये पूछ रही है कि अगर 5 साल भारतीय जनता पार्टी के सांसद द्वारा अभूतपूर्व विकास संभव हुआ अमेठी में, 4 लाख गरीब परिवारों के शौचालय बने, 3,50,000 परिवारों को नल से जल मिला, 1.5 लाख परिवारों को जीवन में पहली बार विद्युत का कनेक्शन मिला, 1,14,000 घर बने, गरीबों के आवास बने, तो अगर 5 साल में, जिसमें 2 साल कोरोना के थे, अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद और सरकार के लिए ये संभव रहा, तो 50 साल से और विशेषतः 15 साल लापता रहने के बाद इतनी पीढ़ियों की हानि गांधी परिवार ने अमेठी लोकसभा क्षेत्र में क्यों की? क्या राहुल जी, डरो मत कहते कहते अमेठी से लड़ो मत। एक बात तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने स्वीकार ली है कि अमेठी, जिसे वो अपना पॉकेट बरो, फैमिली बेस्टिन ये सब मानते थे, आज राहुल गांधी ने अमेठी को सरेंडर कर दिया। आज राहुल गांधी अमेठी में जाने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जो उनका परिवार 50 वर्षों में नहीं कर पाया, वो 5 वर्षों में स्मृति जी, योगी जी और मोदी जी ने अमेठी के लोगों के लिए किया, और इसीलिए अमेठी जाने की हिम्मत कांग्रेस के प्रथम परिवार में नहीं है। और अब देखे ना, वायनाड की जनता के साथ भी धोखा करना चाह रहे हैं। मतलब अमेठी ने रिजेक्ट किया तो वायनाड का इस्तेमाल किया, अब वायनाड रिजेक्ट करने वाला है तो रायबरेली के लोगों का इस्तेमाल करना। परंतु ये वायनाड के साथ जो धोखा करने वाले हैं, रायबरेली के लोग वो भी समझ चुके हैं, और रायबरेली के लोग कोई ऐसे व्यक्ति को अपना सांसद नहीं बनाएंगे जो उनके बीच ही ना रहता हो, जो विदेश में ज्यादा रहता हो। तो इसीलिए आज उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीट भारतीय जनता पार्टी एनडीए जीतने वाली है, और देश में एनडीए 400 पार होने वाली है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण आज राहुल गांधी जिस प्रकार से अमेठी छोड़कर भागे हैं, उसी से मिल जाता है। टाइम्स नाउ, नवभारत, डिजिटल की रिपोर्ट।